केम्स का उद्घाटन होगा, नेता आएंगे, डॉक्टर आएंगे। यहाँ के लोग बहुत देख रहे कि यहाँ का डॉक्टर कैसे है, उनको हम लोग देखते हैं, लेकिन लोगों को देखने नहीं दिया जा रहा। देवघर एम्स ओपीडी बिल्डिंग और रैन वसेरा बिल्डिंग का आज सफलतापूर्वक उद्घाटन हो गया। ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन हुआ, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट होने के कारण राजनीतिक होती ही है, नेता लोग होते ही हैं राजनीतिक करने के लिए, वो काम करे अथवा नहीं करे लेकिन राजनीतिक तो करते ही है। और यहाँ काम हुआ है तो स्वाभाविक है राजनीतिक हो गए। तो क्या कुछ हुआ आज दिन भर, क्या कुछ कहते हैं नेता लोग, वो भी हम सुनेंगे। पब्लिक क्या कुछ कहती है उसे भी हम सुनाएंगे। आप वीडियो के अंत तक देखें और समझें कि किस प्रकार से आज दिन भर एम्स को लेकर चर्चा हुई, उद्घाटन हुआ, फिर उसमें राजनीतिक भी हुई। आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कि आज ओपीडी का ओपनिंग हुआ है और नया महीना बीता है, सावन का, भादों का प्रारंभ है, इसका समुचित लाभ यहाँ के लोगों को मिले, क्योंकि संथाल पुराना पिछड़ा इलाका था, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। देवघर ऐसे शहर में एम्स का आना बड़ी बात है, इसका सफल इलाज लोगों को मिले, यही मेरी कामना है। आंध्र प्रदेश के लोगों को, आवाज आ रही है, संथाल पुराना और देवघर के लोगों को आज ढेर सारी शुभकामना की। आज पवित्र महीने में फाइनली एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है, उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मन से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है। और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो गया। एक होता है कि मकसद क्या है तुम्हारा, मेरा मकसद पूरा हुआ। कुछ कमी भी निर्माण में वो पूरी तेजी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से इसको मॉनिटर करती है और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये जून 2022 तक ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड ये हॉस्पिटल चला। बाबा नगरी और संथाल परगना और इर्द गिर्द बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात है, यहाँ एम्स का आज उद्घाटन हो गया। अभी बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है अभी भी डॉक्टर और कुछ कमियाँ हैं उसको दूर करते हुए, और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है, जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है, यहाँ सुविधा हो। और हम लोग के तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए, हम लोग करने के लिए। सर, साथ में यहाँ पहुँचने के लिए जो अप्रोच रोड है, बाकी जो और सराउंडिंग रोड है, ये जो कमियाँ उसमें जो अड़चने आ रही हैं, ब्रिज वगैरह की बात है, बहुत जल्द दूर करेंगे। अब उद्घाटन हो गया, अब सारा काम बढ़िया से होगा। जो भी अड़चने हैं वो हम बात करेंगे इनसे और हम लोग उसको माननीय मुख्यमंत्री साहब से बोल करके कराएंगे। उद्घाटन हुआ, इस उद्घाटन के पीछे एक महीना पहले से ही बहुत नाटक नौटंकी चल रहा था। एम्स आम पब्लिक के लिए है, ये सच्चाई है, जरूरी भी था, लेकिन नेता लोग चाह रहे हैं कि मेरा नाम आ जाने से मेंस एम्स मेरा हो जाएगा, ये आम पब्लिक की है। और आज उद्घाटन समारोह में बहुत आशा उम्मीद से यहाँ के स्थानीय लोग जुटे थे, उम्मीद से कि एम्स का उद्घाटन होगा, नेता आएंगे, डॉक्टर आएंगे। यहाँ के लोग बहुत देख रहे कि यहाँ का डॉक्टर कैसे है, उनको हम लोग देखते हैं, लेकिन लोगों को देखने नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं आने आग जो कल से जो यहाँ शुरुआत होगा ओपीडी, उसमें कैसी व्यवस्था रहेगी, कि आम जनता के लिए रहेगी या दलालों के लिए रहेगी या नेता के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं उनके लिए रहेगी। आज लोगों का जो आशा उम्मीद था, लोग रोड से ही घूम के जा रहे हैं, अंदर नहीं जा पाए, इससे लोगों में के अंदर में जो आशा भरोसा था थोड़ा सा निराशाजनक रोड के जा रहे हैं। अभी आपने सुना सांसद, विधायक, मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी की अपनी अपनी राय है, लेकिन आज का क्षण जो रहा वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा, बहुत ही सुंदर रहा। आज झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात मिली है देवघर एम्स के रूप में, और लोगों को बड़ी दिन से यह उम्मीद थी कि कब तक एम्स चालू होगा। और ये झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, आज देवघर एम्स चालू हुआ।
देवघर की ऐसे लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें बीकेडी न्यूज झारखंड को और इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।